I love you, Lakshmi. I love you so much. तुमने एक घंटे में स्वरा से आई लव यू बुलवा लिया। गुड जॉब बॉय, गुड जॉब। तुमने जो कहा था वो हो गया ना? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लक्ष्य, ऑलमोस्ट। वैसे एक छोटा सा और काम है। स्वरा ने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हें गले भी लगा लिया, तो अब एक किस तो बनता है ना। सिर्फ एक किस और रागनी तुम्हारे पास होगी। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें बताना भूल गया कि किस कहाँ करनी है, तुमने मेरी गलती का फायदा उठा लिया। Anyways, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुमसे क्या क्या करवाता हूँ। तो ये गेम यही खत्म होता है और मिस्टर लक्ष, तुम पूरे नंबरों से पास हो चुके हो, अब तुम दोनों जा सकते हो। गुड बाय। मन सिर्फ इस अंदेशे से डर रहा है कि कहीं लक्ष्य ने इस बंगाली लड़की को ताउम्र ना भुलाने का मन बना लिया तो वो जिंदगी भर अकेला ना रह जाए। वो अपना मन बना चुका है, जिद्दी है ना अपने पापा की तरह। जी? हमने अभी वहां गेट के पास किसी की परछाई देखी। कौन है? चौकीदार, चौकीदार, वॉचमैन। वॉचमैन कहां से तुम लोग? जी साहब, हमने अभी अभी गेट से किसी को अंदर आते हुए देखा। देखो कौन था, जाओ चारों तरफ चेक करो। भगवान, कहीं संस्कार ना आया हो। क्या करूं? Thank you.
लग रही है, आंखें खोलो। पानी है तुम्हारे पास? रागिनी हेलो, देखो कौन है। यू सब देख लिया साहब, बाहर कोई भी नहीं है। ना ना। लगता है चोट अंदर घुसा है। वो ये है कि मैंने तो किसी को भी ना देखा घर में घुसते हुए। होता तो दिखाई देता ना। मैं तो कह रही हूँ कि बाहर ही होगा जो भी होगा। सुजाता थार को कहीं पता कि अंदर आया कि नहीं आया? पहले देख तो लो अंदर अच्छी तरह से, क्या पता अंदर ही हो। मॉम मैं किचन में हूं। जाओ बुलाओ दूसरे गार्ड को भी और घर को अच्छी तरह से चेक करो और रसोई से शुरू करना। वहां की खिड़की से कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है। चलो जाओ। ओके सर। गलती मेरी थी जो उसने गला दबाते दबाते तुझे छोड़ दिया। तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। संयम रखें शेखर बाबू, हमारे बेटे पर हाथ उठाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, यह नसीहत आप मुझे ना ही दें तो बेहतर है। आज सारे समाज के सामने जो हमारी बेइज्जती हुई है वो आपके बेटे की वजह से और आपकी वजह से हुई है। सॉरी पापा, मैं आपसे बिना बताए स्वरा और अग्नि से मिलने गया। हमें तुमसे इस बात की नाराजगी है लक्ष्य, लेकिन फिर भी आज हम तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि हमारा यकीन है कि हमारा लक्ष्य बदल गया है और हमें उम्मीद है कि इस बार तुम हमारा विश्वास नहीं तोड़ोगे। ऐसी गलती ना करो दुर्गा प्रसाद, क्योंकि कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होवे। 14 साल भी उन्हें नली में रखो तो टेढ़े के टेढ़े निकलते हैं। अपने हाथ पार मत कीजिए पार्वती जी। एक बार हमारी बात तो सुनिए। कहा ना लाडो, तू बीच में ना बोल। थारी सफाई ना चाहिए हमारे को। अरे पर गलत संगत का असर चढ़ चुका है।
अपनी गलत सही की समझ को भट्टी में झोंका हुआ है तूने। बस दादी, एक बार हम लोगों को एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। रागिनी को किसी ने किडनैप कर लिया था, लक्ष्य को प्राइवेट नंबर से कॉल्स आ रहे थे और हमें धमकाया जा रहा था कि अगर हमने आप लोगों को या पुलिस को किसी को भी बताने की कोशिश की तो। तो वो लोग रागिनी को मार डालेंगे। उसने सब कुछ हमसे जबरदस्ती में करवाया। अच्छा, हम सब यहाँ पर थारे को बेवकूफ लग रहे हैं? थारे को क्या लगता है ये जो फिल्मी कहानी सुना रही है इस पर भरोसा कर लेंगे हम? पर दादी माँ, सच यही है। थारे को बीच में बोलने की जरूरत ना है, पहले ही कह दिया है। और पहले तो ये बताओ कि तुम दोनों को मारी पोती को बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी? अय्याशी करनी थी, प्यार करना था तो दोनों जाके मिलके करते, वहां को ले जाने की क्या जरूरत थी? बस पार्वती जी, हमारे बेटे का इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। वो तो दिख रहा है दुर्गा प्रसाद, दिख रहा है कितने पुराने दोस्त हैं। मेरी पोती का दिल तोड़कर उसे सारे समाज के सामने बेइज्जत करके थारे बेटे ने या छोरी के साथ प्यार का खेल खेला। पता नहीं अपनी दोस्ती की आड़ में और के किया इन दोनों ने। प्लीज दादी माँ, आप कुछ भी बोलती जा रही हैं, ये सच नहीं है। हाँ मैं सूरज से प्यार करता हूँ, पर खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरी बच्ची का नाम लिया तो। वाके ऊपर काय चढ़ रहा है शेखर? अरे खोटा तो थारा सिक्का है, वीडियो ना देखा तूने? से दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बेशर्मों की तरह झूल रहे हैं। अनुचित रिश्ता तो वहां में ही दिख रहा है। बस बस बहुत हो गया, अब तू सच सच बता, क्या तू लक्ष्य से प्यार करती है? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब इन सब के लिए मैं तुम्हें गलत भी तो नहीं कह सकता। लक्ष्य, फर्क पड़ता है मुझे, बहुत फर्क पड़ता है। लक्ष्य, माँ वो मैं नहीं। देख लो, अरे पता चल रहा है साफ कि लक्ष्य से प्यार करती है। दादी माँ, स्वरा मुझसे प्यार नहीं करती है और ये बात वो मुझे एक नहीं हजार बार कह चुकी है। ठीक है, अगर ये सच है तो मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं। क्या जानना है आपको? यही कि तू ये सब क्यों कर रहा है, क्या हासिल होगा इस अपहरण से और उस वीडियो से? मॉम, मैंने एक तीर से तीन निशाने लगाए हैं। नहीं समझी? हाँ, ये आपको समझाता हूं। इस कांड के बाद गदोदिया और महेश्वरी एक दूसरे से और नफरत करने लगेंगे। और अपने बेटे की अश्लील वीडियो देखने के बाद दुर्गा प्रसाद किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा और बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जिससे स्वरा लक्ष्य से और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। एक अधूरी प्रेम कहानी का हमेशा के लिए अंत होने वाला है मॉम। ऐसा क्यों होगा संस्कार?
पेशेंस मॉम, पेशेंस। बहुत जल्द आपको खुद पता चल जाएगा। देख लिया आप लोगों ने, एक आसान से सवाल का जवाब देने में इतनी देर लगा दिया ने। और बंगालन, थारे को तो बड़ा गर्व था अपनी नातन पर, अब क्या हुआ, गले में मच्छी का कांटा फंस गया क्या? देख ले क्या का चरित्र सबके सामने आ गया। ये मणिवर्णन, अपने हार में रखकर मत कर, तू जिससे इतना बुरा बोलते है ना, वो तेरा भी पोती है। स्वरा जवाब दे, शुरू एक बार सबको बोल के खत्म कर देना, खत्म कर दे बात, तेरा रक्त से प्यार नहीं है ना, तो बोलना। माँ मैं नहीं, नहीं क्या? सबकी आंखों में देख के बोलना। मैं बस आप सब सच जानना चाहते हैं ना, तो हम आपको सच बताते हैं, स्वरा लक्ष्य से प्यार नहीं करती। ये बात हमने स्वरा से हजार बार पूछी और हजार बार स्वरा ने इस बात को मना किया है। हाँ मैंने थारे से कहा ना, तू चुप रहे। अरे तू बहुत भोली है, काय ना समझ रही है कि ये दोनों थारे कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। अरे थारी आड़ में अपने प्यार का परवान चढ़ा रहे हैं दोनों। बस बहुत बोल लिया आप लोगों ने, हमारा बेटा अच्छी तरह से जानता है कि हम इस रिश्ते के खिलाफ हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने हमसे वायदा किया है कि वो इस लड़के को कभी नहीं अपनाएगा। तो जहां तक रही बात इस वीडियो की, बहुत जल्द पता लग जाएगा कि इसका सच क्या है और इसका झूठ क्या है। ये 100% सच है दुर्गा प्रसाद, पर अब बेटा है ही। जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक इंसान बेगुनाह कहलाता है पार्वती जी, बहुत जल्द पता चल जाएगा सच क्या है। आदर्श ने वो वीडियो पुलिस तक पहुंचा दिया है, वीडियो की हकीकत जल्द ही सामने आएगी, पता चल जाएगा आपको भी कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज इसके बेटे ने इसके मुंह पर काले पोत दिए। दादी क्यों किया आपने ये सब, उन्हें बेइज्जत करके आपको क्या मिला? तू चुप रह छोरी, ये मारा बदला है, या ने जो मारे परिवार के साथ किया उसकी सजा है। लक्ष्य की हरकत ने शेखर बस, अरे को सही और गलत का पाठ मत पढ़ा। आज मारे को बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आवेगी। शेखर ये सही नहीं हुआ, अगर कोई हमारे साथ गलत करे और हम भी उनके साथ वैसा ही करें तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा?
बदले से सिर्फ बदला मिलता है, सुकून नहीं। ये कौन है? ये परिणीता भाभी। और ये बड़े पापा। है ना, बड़े पापा है। किसने किया ये सब? बड़े पापा, मुंह काला, बा, 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 काला। संस्कार नहीं। संस्कार मुंह काला काला। सजा दे रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया है, आपकी कोई गलती नहीं है। ये कोई साजिश है हमारे खिलाफ। मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये किसी और ने नहीं किया है, हमारे अपने खून ने किया है। आज फिर उसकी वजह से हमारा सर झुका है, लोगों ने हम पर थूका है। और हम लाचार मजबूर बस खड़े देखते रहे। इस बेइज्जती के एक एक पल को हमें हमेशा याद रखना है। ये दर्द हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगा। बड़े पापा गंदे ठीक मुंह नहीं धोते। नमस्कार, चुप। तो जाता ऊपर लेट जाएंगे। बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते संस्कार। चलो स्वरा।
कमजोर है। प्लीज हमें माफ कर दो। हमने कभी नहीं सोचा कि लक्ष्य ऐसा कुछ कर सकते। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें रात को इतनी देर से निकलने के लिए तुम्हें जबरदस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। सब हमारी गलती है। सुरा, हमने सोचा कि लक्ष्य हमसे प्यार नहीं करते। उन्होंने कभी हमसे प्यार किया ही नहीं, और तुमसे? लेकिन तुमसे तो करते हैं ना, तो फिर भी वो ऐसे कैसे? रागिनी प्लीज प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने ये सब मेरी खुशी के लिए किया था ना। सिर्फ आई लव यू के ये फीलिंग्स मेरी लाइफ पूरी नहीं होती। ये तब पूरी होगी जब तुम मेरे साथ होगी। स्वरा, रागिनी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। रागिनी, तुम ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। मैंने कहा था ना कि जब भी मैं फोन करूं तुरंत उठा लिया करो। एनीवेज, आज गुस्से का नहीं, सेलिब्रेशन का दिन है। थैंक यू सो मच। तुम्हारा साथ नहीं होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। अच्छा बताओ कब मिलना है? हाँ ठीक है, ओके बाय।